पैसे का लालच इंसानों की हद गिरा सकता है। इसका एक उदाहरण है आज की कहानी। ये कहानी है लालच में अंधी हुई एक माँ और उसकी दो बेटियों की। दो लड़कियों की माँ होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटियों का इस गलत काम में सपोर्ट किया। लालच में अंधे होकर खुद के बच्चे का गलत इस्तेमाल और फिर दूसरों के मासूम बच्चों की किडनैपिंग और हत्या। ये कहानी अंजना बाई और उनकी दो बेटियां रेणुका और सविता की। इस कहानी की मुख्य किरदार अंजना बाई ने 1973 में अपने आशिक के साथ भागकर नासिक से पुणे आकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत की और अपनी बड़ी बेटी रेणुका को जन्म दिया। यहीं से अंजना के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। अंजना बाई का पति अंजना बाई और अपने नवजात शिशु को छोड़कर भाग गया। अंजना बाई आसपास के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का लालन पालन करने लगी। घरों में काम करते हुए अंजना को चोरी चकारी की आदत पड़ गई। घरों में छोटी मोटी चोरियां करते हुए अंजना बाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी कि तभी उनकी जिंदगी में मोहन गवित नाम के रिटायर सोल्जर की एंट्री हुई। मोहन के साथ रहकर अंजना बाई ने सीमा को जन्म दिया। अगर अभी भी अंजना बाई अपनी आदत से बाज नहीं आई और छोटी मोटी चोरियां करती, उसकी इसी आदत से परेशान होकर मोहन ने उसे और उसकी बेटियों को घर से निकाल दिया और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। अंजना बाई अपने मन में बदले की भावना लेकर अपनी बेटियों को भी छोटी चोरियां करना सिखा दिया था। अब वे लोग घरों में काम ना करते हुए महाराष्ट्र के मशहूर मंदिरों और मेलों में जाकर भीड़ का फायदा उठाकर छोटी मोटी चोरियां कर लेते। इनका निशाना ज्यादातर ऐसी महिलाएं होती जो पूजा पाठ करने में मगन होती और ये लोग उनके कीमती गहनों को गायब कर देती और उन्हें पता भी नहीं चलता। समय बीत रहा था। अब अंजना बाई की दोनों बेटियां जवान हो गई थी। अंजना बाई ने अपनी बड़ी बेटी रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के टेलर से की। किरण शिंदे से शादी करने के बाद रेणुका ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अभी भी वो चोरी चकारी ही करती। ऐसे ही एक दिन चोरी करते हुए मंदिर में जब वो रंगे हाथों पकड़ी गई तो लोग उसे मारने लगे। तभी उसे एक शातिर ख्याल आया और उसने अपने बेटे का इस्तेमाल कर खुद को उस भीड़ से बचा लिया। अपने छोटे बच्चे का वास्ता देकर उसने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया। अब तो उसे अपने बच्चों में हुक्म का इक्का नजर आने लगा, क्योंकि उसने उसी मंदिर में बड़ा हाथ मारा था और पकड़े जाने के बावजूद अपने बच्चे के कारण सजा से भी बच गई थी। जब उसने अपनी माँ और बहन को इस पूरी कहानी के बारे में बताया तो उसकी बहन उससे एक कदम आगे निकली और उसने उन लोगों को सुझाव दिया कि क्यों ना हम लोग अपनी चोरियों में बच्चों को भी शामिल कर ले, क्योंकि छोटे बच्चों की माओं पर अचानक से भीड़ में कोई शक भी नहीं करता। मगर लोग तीन थे और बच्चा केवल एक। इसके लिए उन्होंने अब दूसरे के बच्चों का सहारा लेने की सोची। 1973 मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे कि ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई और आसपास के नासिक पुणे से वे लोग चलती ट्रेन या बस से 1 से 5 साल तक के बच्चों का अपहरण करती। उनके विक्टिम ऐसे गरीब बच्चे होते जिनके माँ बाप उन्हें ना तो ज्यादा सोर्स लगाकर ढूंढ पाए और पीछे कोई सबूत ना होने के कारण उनकी अदालत या पुलिस में कोई सुनवाई हो पाती। सीमा ने सातारा से एक भिखारी बच्चे को किडनैप किया और उसके साथ उसने कई सारी चोरियों को अंजाम दिया। ऐसे ही एक दिन कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में भव्य उत्सव चल रहा था। इस भीड़ में सीमा एक लेडी का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। वो छोटा बच्चा अंजना बाई के पास था। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने उस बच्चे को तेजी से जमीन पर गिरा दिया। तेजी से बच्चों के गिरने के कारण सब लोगों का ध्यान सीमा पर से हटकर उस बच्चे पर चला गया
सीमा एक बार फिर बच गई थी। जब वे लोग उस बच्चे को लेकर मंदिर से निकले तो वो बच्चा दर्द से बेहाल था। उसके लगातार रोने के कारण सीमा को डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने उस बच्चे को पास ही लगे बिजली के खंभे पर उसका सिर इतनी जोर से मारा कि वो बच्चा वहीं दम तोड़ गया। उन लोगों ने उसकी लाश को वहीं कचरे के ढेर में फेंक दूसरे बच्चे की तलाश में आगे निकल गए। तीनों माँ बेटी पर वशीपन इस तरह सवार था कि बच्चों का अपहरण करते और अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद उन्हें मारकर उनकी लाश को जानवरों के खाने के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे। उन लोगों को अब बच्चों को मारकर जैसे सुकून मिलता था। 1.5 साल की एक छोटी बच्ची जो उन्होंने पुणे से अगवा की थी, एक रात जब उसने रोना बंद नहीं किया तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने एक बैग के अंदर भर के उस बैग को ले जाकर उन लोगों ने एक थिएटर में पूरी मूवी देखी और उसके बाद उस बैग को उन्होंने लेडीज रेस्ट रूम में छोड़ दिया। तीनों माँ बेटी बच्चों का अपहरण करती और मतलब पूरा होने के बाद मार देती। किरण उन लोगों की मदद करता। 1990 से 1996 के बीच उन लोगों ने करीब 40 बच्चों का अपहरण और मर्डर किया। मगर कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो झलक ही जाता है। अक्टूबर 1996 में मोहन गवित और उनकी पत्नी कविता ने अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई और उनका पूरा शक अंजना बाई और उनकी बेटियों के ऊपर था, क्योंकि वे लोग मोहन से बदला लेने के लिए कई बार उन्हें धमकी दे चुके थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तो अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियां अंडरग्राउंड हो गए। उन लोगों के काम धंधे चौपट हो गए थे तो गुस्से में मोहन की दूसरी बेटी को भी अगवा करने का सोचा और वे लोग उसे अगवा करने के लिए शहर में आ गए। मगर पुलिस की मुस्तैदी के चलते तीनों पकड़ में आ गए। कड़ी पूछताछ के बाद उन लोगों के नासिक स्थित घर पर जब रेड की गई तो वहां पर उन्हें छोटे बच्चों के कपड़े, खिलौने और बच्चों से रिलेटेड कई सारा सामान मिला। बच्चों के कई सारे कपड़ों पर खून के दाग थे जो अलग अलग ब्लड ग्रुप के और अलग अलग डीएनए के थे। ये सब देख पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज हो गई। पुलिस अधिक सख्ती से उन लोगों से पूछताछ कर रही थी मगर वे लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। मगर पुलिस के डंडों के आगे अच्छे अच्छे हार जाते हैं। सबसे पहले सीमा टूट गई और उसने कबूल किया कि उन लोगों ने ही मोहन की बेटी का किडनैप और मर्डर किया और उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे एक गन्ने के खेत में दबा दिया। उसने ये भी कबूल किया कि ये सब उसने अपनी माँ अंजना के कहने पर मोहन से बदला लेने के लिए किया था। उन लोगों के मुंह से सारी बातें सुनकर पुलिस डिपार्टमेंट बुरी तरह से हिल गया। उनके घर से बरामद किए गए कपड़े और खून के सैंपल से ये बात साबित हो चुकी थी इनके विक्टिम बहुत सारे बच्चे रह चुके हैं। पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष CID टीम का गठन किया गया। अंजना, सीमा और रेणुका के पकड़े जाने के बाद रेणुका का पति किरण शिंदे बुरी तरह से डर गया और उसने सजा के डर से खुद को सरकारी गवाह बनाने की पेशकश कर दी। पुलिस ने भी उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे सरकारी गवाह बना लिया। किरण शिंदे ने खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी साली और सास का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। कैसे छोटी मोटी चोरी करने से लेकर बच्चों को अगवा कर उनको मारने का काम करते थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3-4 जगह रेड मारी जहां पर उन्हें कुछ बंधक बच्चे, बच्चों की लाश और उनके शरीर के अलग अलग हिस्से मिले। किरण के सरकारी गवाह बन जाने के कारण कोर्ट ने उसे माफी दे दी। साल 1997 में पुलिस कस्टडी में बीमारी के कारण ही अंजना बाई की डेथ हो गई थी। अभी तो कोर्ट ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था। किरण के अलावा और भी कई सारे गवाहों के बयान के आधार पर कोल्हापुर कोर्ट ने 2001 में
सीमा और रेणुका दोनों को दोषी करार दिया। प्राप्त सबूत और गवाहों के आधार पर उन लोगों के ऊपर 11 किडनैपिंग और 6 मर्डर का चार्ज लगा था। कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा दी। कोल्हापुर कोर्ट के निर्णय को उनके वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी, मगर मुंबई हाई कोर्ट ने 2004 में कोल्हापुर कोर्ट के निर्णय को ही मान्यता दी। 2006 में लगी सुप्रीम कोर्ट की अर्जी भी खारिज हुई और उनकी सजाए मौत बरकरार रही। सीमा और रेणुका ने अपनी सजा को कम करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। काफी सारी फॉर्मेलिटीज और बहस के बाद प्रेसिडेंट ने भी 2014 में उनकी अर्जी को मानने से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने एक पेटिशन दाखिल की कि प्रेसिडेंट ने लेट फैसला दिया, इस कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। रोज रोज सजा के डर से अपनी जिंदगी जी रही थी, इसलिए मुआवजे के तौर पर उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। जनवरी 2022 में मुंबई हाई कोर्ट ने जवाब मिलने में देरी के कारण उनके मानसिक तनाव को ध्यान में रखते हुए उनकी सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया। कानून के इन्हीं लूप होल को यूज करके कई सारे कैदी इस तरह अपनी सजा से बच जाते हैं। ऐसा ही कुछ केस सीमा और रेणुका का था। दोनों अपने किए की सजा से भी बच गई और इतनी लंबी चली सुनवाई के बाद तो उन्हें ठीक तरह से याद भी नहीं था कि उन्होंने कितने बच्चों को अगवा किया और कितने बच्चों की हत्या की। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इन लोगों ने कितने ही मासूम बच्चों को मारने से पहले ये भी नहीं सोचा कि उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। इतना घिनौना कार्य करने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अब आप लोग ही बताइए, इस केस में अंत में जो निर्णय हुआ क्या सही था?